हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इन द फिगर इफ x plus y इज इक्वल टू w plus z, तो यहां पर x y z w ये चार एंगल्स दिए हैं। x plus y एंगल की वैल्यू w plus z के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है a o b, दिस इज अ लाइन। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी लाइन है। तो किसी भी चीज को लाइन प्रूव करने के लिए अगर हम एक लीनियर पेयर यहाँ पर तैयार कर दें, अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक्स एंड वाई लीनियर पेयर है, या फिर हम ये प्रूव कर दें डब्ल्यू एंड जेड एक लीनियर पेयर है, यानी कि इन दोनों का सम अगर हम 180 180 प्रूव कर दें, तो कॉन्सिक्वेंटली हम ये प्रूव कर देते हैं कि ए ओ बी इज द लाइन। तो लाइन प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होता है कि उसकी एक साइड में जो भी एंगल्स हैं उनका सम 180 हो, तो हमारी वो लाइन प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। वी कैन सी दैट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x प्लस y प्लस w प्लस z अगर हम चारों का एंगल्स का सम करें तो यहाँ पर आ रहा है 360, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे O एक पॉइंट है और O के चारों ओर ये चार एंगल्स क्रिएट हैं, तो एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल क्रिएट होता है उसका सम कितना होता है 360। ये क्या है, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी है, दिस इज अ कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कंप्लीट एंगल क्रिएट हुआ, तो कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360। बट हमें ये पता है बट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इट इज गिवन। ओके, तो अगर हम इसमें यहाँ पर एक ये ब्रैकेट तैयार करते हैं और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट है, तो अगर हम w plus z की जगह x plus y लिख दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो x plus y plus x plus y, क्योंकि w plus z and x plus y equal है, तो it is equal to 360। तो यहाँ पर हो जाता है twice of angle x plus y, ये भी एक पेयर ये भी एक पेयर, तो इन दोनों का सम दो हो जाते हैं, टू हो जाएगा, तो यहाँ पर 360। सो x plus y is equal to 360 upon 2, that means 180 degree। तो यहाँ पर आपने ये प्रूव किया कि x plus y is equal to 180 degree, that means x and y are linear pairs, okay? Linear pair। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं कि W and Z are linear pair, so it implies A O B is a line। तो इस तरह से हमने एक पेयर को लीनियर पेयर यहाँ पर दिखाकर हमने कह दिया कि जो ये पेयर जिस लाइन के ऊपर बना है वो लाइन क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से हैंस प्रूव ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो।